अस्सलाम वालेकुम दारो शिको हाशमी, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर 11 बजे के शो के साथ। एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई एम लेट टुडे, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जिसकी वजह से देर सवेर हो जाती है, बट आई विल कॉम्पेंसेट फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट इट। तो जनाब, आज का हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा शो है, वो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम मैं आज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, जो डार्क साइड रही है मेरी शख्सियत के पास्ट की, कि जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गया और डिप्रेशन से मैंने कैसे फ़ाइट किया, डिप्रेशन ने मुझे एक और बीमारी दे दी जिसको कहते हैं साइकोसिस, तो आई एम ऑन लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। मैंने आज 30 सेकंड्स के लेक्चर के अंदर ये कहा था कि पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, और ना सिर्फ ये कि ये बीमारी आम हो रही है, बल्कि इस बीमारी को रियलाइज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि उर्फ़ आम में ये कहा जाता है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि जी तुम्हें भूत चिमट गया है या तुम्हें नज़र हो गई है या इस तरह की बातें की जाती हैं। देखें जी, डिप्रेशन इज़ रियल, depression is real, it's very real, and it's something which I will not even wish to be on any of my enemy, let alone on my family members or anyone. usme chakkar ye hai ki aaj ka naujawan, ha wo mard ho ya aurat ho, ladka ho ladki ho, wo depression ka mareez hona cha raha hai, kyunki life mein itni zyada negativity bhari hui hai, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारे आसपास के लोग, हमें सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि हमारे अलावा हर एक शख्स कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है, हमारे अलावा हर एक शख्स बहुत खुश है, हमारे अलावा हर एक शख्स जो है वो जीत रहा है, और हम ही वो वाहिद शख्स हैं जो कि हार रहे हैं। ठीक है, देखें जनाब, सोशल मीडिया को आए हुए कोई 12-15 साल का शायद टाइम पीरियड हो चुका है। मैंने इन 12-15 सालों में कभी भी ये नहीं देखा कि किसी ने ये स्टेटस लगाया हो कि मैं फेल हो गया, या मैं डिप्रेस हो गया, या मैं हार गया, या मैं नाकाम हो गया। किसी ने भी नहीं लगाया। जो नाकाम हो रहे हैं वो भी नहीं लगा रहे, और जो कामयाब हो रहे हैं वो तो खैर लगा ही नहीं रहे, वो तो कहते हैं कि हम कामयाब हैं। जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन बार बार देखते हैं, तो आपको अपना आप और अपनी हासिल करदा चीज़ें और अपनी सक्सेस बहुत छोटी लगने लगती है। इंसान कंपैरिजन पे आ जाता है। जब इंसान कंपैरिजन पे आता है, तो उससे फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर होती है, फिर आप बैठे रहते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और ओवर थिंकिंग इज़ अ किलर। ख़वातीन हज़रात, ओवर थिंकिंग इज़ अ किलर। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हंसते बसते इंसान का चैन, सुकून, तबाह बर्बाद कर देती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग में वो चीज़ें भी आपके माइंड में आने लगती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। आप सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं, आप कहते हैं अगर ऐसा होता तो यूं हो जाता, तो मैंने ये किया तो वो किया, तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो वो जो ऐसा वैसा है वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, और फिर आपकी अटेंशन सारी उस तरफ चली जाती है। किस तरफ? नेगेटिव चीज़ों की तरफ। आपको अपनी ज़िंदगी में हर नेगेटिव चीज़ ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। आप अच्छाइयों को भूल चुके होते हैं। आपने जो सक्सेस हासिल की है, ख्वाह वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, ख्वाह वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सक्सेस इज़ सक्सेस। जीत तो जीत है, लेकिन अगर आप जीत को कंपेयर करेंगे, अपनी जीत को किसी ऐसे शख्स के साथ जिसने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, जिसने आपसे ज़्यादा जान मारी है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाएगा। डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है, वो ये जो रीज़न होता है। अच्छा, अगेन मैं ज़रा शुरू में ये बात बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरी पर्सनल फाइंडिंग्स हैं, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, और ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। लेकिन चूँकि मैं रिहैब में रहा इंग्लैंड में, कोई 21 दिन मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहा, क्योंकि आई वॉज सुसाइडल एट वन पॉइंट, बिकॉज माई डिप्रेशन वॉज सो बैड दैट इट ट्रिगर्ड द एलिमेंट्स ऑफ साइकोसिस। एंड साइकोसिस में क्या होता है कि आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। जब विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, तो आपको नज़र आती हैं चीज़ें,
ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अंदर आपको नज़र नहीं आती हैं, आपको सुनाई देती हैं चीज़ें जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन आपको सुनाई दे रही होती हैं। आपने सुनी होंगी बड़े बड़े आर्टिस्ट एक्टर्स जो मरे हैं, उन्होंने कहा कि हमें आवाज़ें आती थी, हमें ऐसा लगता था कि कोई हमें कह रहा है कि अपने आप को जान से मार लो, ख़त्म कर लो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेज़रर हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम बिल्कुल यूज़लेस हो। ये आवाज़ें जब बे इंतहा बढ़ जाती हैं तो इंसान इनको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। जब आप इन आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं तो उससे साइकोसिस ट्रिगर हो जाता है। जब साइकोसिस मज़ीद आगे की तरफ जाता है वो आपको स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ ले जाता है। ख़वातीन और हज़रात, स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब ये है कि आपकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ उजागर हो जाती हैं, मल्टीपल पर्सनालिटीज़, आपकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ जो हैं, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और कर रहा होता है और सब कॉन्शियस माइंड कुछ और कर रहा होता है। लोग ऐसी सिचुएशन में बड़े बड़े जुर्म करके चले जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, रेप कर देते हैं, और इन दी एंड वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ है। दर हकीकत वो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, दर हकीकत स्किज़ोफ्रेनिया इज़ समथिंग विच इज़ देयर, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मेंटल इशू है, ये डिसऑर्डर है, इसके लिए मेडिकेशन है, और मेडिकेशन मेंटल इशूज़ की लेने में कोई आर नहीं है। मैं पिछले 6-7 या 8 साल हो गए मुझे, मैं मेडिकल मेंटल जो मेरी मतलब प्रॉब्लम है उसकी मैं दवा लेता हूँ, और ये बात डॉक्टर ने मुझे कह दी थी कि आपने इसको लाइफ लॉन्ग लेना है, मतलब अब आप जब तक जिंदा रहेंगे आपने ये दवा लेनी है, इसको अगर आपने छोड़ा तो आप रिलैप्स कर जाएंगे। पाकिस्तान में लोगों ने ये कहा कि नहीं ये दवा मत लो क्योंकि तुम दिमागी पेशेंट तो नहीं हो, तुम तो मोटिवेशनल स्पीकर हो, तुम तो लोगों को उम्मीद दिखाते हो, तुम तो ये करते हो वो करते हो। लेकिन जनाब अली, मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं, और इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में जब होता है तो आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये रियल है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स के अंदर एक बात कहता हूँ कि प्लीज़ बी हम्बल एंड काइंड टू एवरीवन यू मीट, एवरीवन। आपको नहीं पता वो क्या जंग लड़ रहा है शख्स, आपको नहीं पता वो लड़की किस अजाब से गुजर रही है, ऊपर से आप भी उस पर तनकीद करना शुरू कर दें, उसको ज़दोकोब अपने अल्फाज से करना शुरू कर दें, उसको डिग्रेड करना शुरू कर दें, वो बंदा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने चीज़ों को बॉटल अप नहीं करना है, आपने बॉटल अप नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। मेरी प्रॉब्लम ट्रिगर होने का मसला यही था, डॉक्टर ने कहा कि इन्होंने सारी बात अपने अंदर रखी, इन्होंने बाहर नहीं निकाली, ये अगर किसी से ये बात कह देते तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, लेकिन इन्होंने सारी प्रॉब्लम अपने अंदर रखी कि मैं ये सॉर्ट आउट कर लूँगा, आज नहीं तो कल ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपनी इन चीज़ों को वेंट आउट करें, वेंट आउट करने के बहुत से तरीके हैं। आप किसी ट्रस्टवर्दी शख्स से, दोस्त हो, भाई बहन हो, पेरेंट्स हो, क्योंकि हमारा एशियाई पाकिस्तानी माशरा है तो हमारे यहाँ इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता। मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात कही कि डिप्रेशन कुछ नहीं है, बस तुम अल्लाह का नाम लो, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज करना और जानते बूझते उसको इग्नोर करना ये कहीं का अकलमंदी नहीं है, ये बिल्कुल अकलमंदी नहीं है। एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर कह रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, आपको दवा दी है, आप दवा लीजिए, वेंट आउट करें। वेंट आउट कैसे? किसी से बात करें, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे ज़माने से डिस्कस करें। इस तरह आप अपना मजाक खुद बना लेंगे, इस तरह प्रेशर और ज़्यादा बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें। 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 ओपिनियंस आएंगे, 10 ओपिनियंस आएंगे तो आप 10 लोगों की बातें अपने जहन में रखें कि यार उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने बोला। नहीं, आपने मशवरा करना है, नसीहत लेनी है, तो आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी है। 1, क्या वो शख्स इस काबिल है कि वो नसीहत कर सकता है? 2, क्या उसके अंदर इतनी स्किल है, क्या उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, क्या उसकी इतनी नॉलेज है, क्या उसकी इतनी विजडम है कि वो ये शख्स हमारी बात को समझ के हमें सही मशवरा दे सकता है। चीज़ों को अपने अंदर रखना हमें बचपन से सिखाया जाता है, मर्द बनो, मर्द बनो। क्यों? मर्द के पास दिल नहीं होता। लड़कियों को कहा जाता है तुम क्या 21वीं सदी की लड़की हो, तुम इतनी सी मसले को टैकल नहीं कर पा रही हो। क्यों? मतलब 21वीं सदी की लड़की हो तो क्या उसके 2 सर हैं, उसके 6 हाथ हैं, या उसके 4 दिमाग हैं? ये कहाँ लिखा है?
अगर एक शख्स को प्रॉब्लम है मेंटल, तो उसको रियलाइज़ करें, एम्पथी के साथ सुने उसकी बात। बच्चों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं चूंकि टीचर हूँ और पिछले 11-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को इस बात का टेंशन नहीं होती कि उनका मुस्तकबिल ख़राब होगा, उनको इस बात की टेंशन होती है कि घर वाले उनको जीते जी बातों से मार देंगे कि तुम्हारे बड़े भाई ने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की, तुम्हारे छोटे भाई ने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की, तुम्हारा बड़ा भाई तो इतना कामयाब है, तुम्हारा छोटा कज़न तो इतना कामयाब है। और फिर इन दी एंड क्या होता है, वो बंदा अपने आप को ख़त्म कर लेता है। जब बंदा ख़त्म कर लेता है तो फिर सर पीटते हैं कि काश ये ना कहा होता, काश यूं ना किया होता। वो जो काश है ना, वो आपको जीते जी मार देगा। ख़वातीनो हज़रात, बहुत से ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जो कि अभी जवानी के फेज़ में हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि वालिदैन का रुतबा हासिल कर चुके हैं। तो ये मेरी अर्ज़ है मोदबाना कि सुनिए अगले बंदे को, सुनिए। आप किसी को पैसे ना दें, आप किसी को लंबी चौड़े चीज़ें खरीद के ना दें, आप उसको सिर्फ अटेंशन दे दीजिए। बखुदा बता रहा हूँ, वो ज़िंदगी उसकी तब्दील हो जाएगी। एक शख्स, उसने कहानी बताई, वो कहने लगा मैं जा रहा था और मेरा इरादा क्या था कि मैं जाके ख़ुदकुशी करूँगा। ज़रा ख़वातीन हज़रात सुनिएगा, डिप्रेशन का मरीज़, सिवियर डिप्रेशन का मरीज़ है, वो मरने की नीयत से घर से निकलता है कि पुल पे जाके कूद मार दूंगा। वो रस्ते में चलता हुआ जा रहा है, सामने से एक शख्स आ रहा है, वो शख्स उसको देखता है, ये उसको देखता है, शख्स उसको देख के मुस्कुराता है, उसके बाद उसको हाथ हिलाता है। फॉर सम ऑड रीज़न वाय, वो जो शख्स आ रहा होता है उसको ये फीलिंग आ जाती है कि ये जो बंदा आ रहा है सामने से, ये सही फील नहीं कर रहा। उसने क्या किया, उसने सिर्फ उसके साथ आई कॉन्टेक्ट किया, जेन्युइन स्माइल दी और उसको लेके वो साइड पे हो गया, उसके साथ बात की। जब बंदे से बातचीत शुरू हुई, वो रोना शुरू कर दिया उसने, उसका दिल फट पड़ा गम गुस्से से, उसको नहीं समझ में आया। फिर उसने बताया कि मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा था और तुमने चूंकि मुस्कुरा के मुझे देखा, जेन्युइननेस के साथ देखा, मैंने अपना इरादा बदल दिया। ख़वातीनो हज़रात, क्या होता है, पाकिस्तान में कराची में रोड पे निकले, हम ज़रा मुस्कुरा के अगले बंदे को देख लें, वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे अल्लाह माफ़ करे आपने पता नहीं उसके पैसे दे रहे हैं। यूरोपियन ममालिक के अंदर, यूरोप घूमा हूँ मैं, मैंने देखा है जो अजनबी लोग हैं वो दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं वो कितने साल के बिछड़े हुए लोग हैं। उनको देख के वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना क्या है इस्लाम में, इबादत है, सबका इजारिया है। नहीं करते, कोई अपने मसले बताता है तो हम उसके सामने अपने मसले डबल करके बताते हैं, तुम्हें क्या मसला है यार, मुझे देखो मुझे कितना मसला है, मैं जमा मर्दी के साथ सेल कर रहा हूं। नहीं, गलत है ये अप्रोच। एम्पथी शो करें अगले बंदे के साथ, कंसर्न शो करें कि नहीं यार, आई फील फॉर यू, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, लेट्स हेयर इट आउट, लेट्स टॉक अबाउट इट, बात करते हैं इसके बारे में यार, मेरा मसला छोड़, तू अपनी बात बता यार, मेरा मसला छोड़। लेकिन नहीं, हमारे यहां होता है मेरा मसला सुनो, तुम्हारा मसला क्या बड़ा है, मेरा मसला है। वो अगला बंदा और डिप्रेस हो जाता है, वो कहता है यार मैं इतना मसले में हूं, ये कितना, ये तो और मसले में, वो और मसला सुन के वो बेड़ा ही गर्क हो गया। आपका काम ये है कि आप अगले बंदे को एम्पथी, अटेंशन प्रॉपर दें, सुने, समझें उसकी बात, क्या मसला है यार। टीचर्स बच्चों के ऊपर जदोकोब उनको किया हुआ है, क्यों, क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो टीचर का ब्रांड नेम बनेगा। मैं जनरलाइज, मतलब मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं दुनिया में, बहुत बेहतरीन टीचर्स मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन इन दी एंड वो कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से कि अगर इस बच्चे को मैंने अच्छे मार्क्स नहीं दिलाए तो मेरा ब्रांड इमेज खराब हो जाएगा। अगर ये बच्चा, अब पेरेंट्स का क्या होता है कि ये बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा उनका ये होता है कि हम इसके ऊपर अभी अगर सख्ती नहीं करेंगे तो ये आगे जाके जो है वो किस काबिल बनेगा। ओ भाई इस पे अभी सख्ती कर दी, ये नरम नन्ना मुन्ना सा पौधा है, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये मुरझा जाएगा, ये फूल खिलने से पहले मुरझा जाएगा। ये आप चाहते हैं? माँ वालदैन के लिए सबसे कठिन बात वो होती है जब वो जवां साल अपने बच्चे की कब्र में उसको उतारते हैं। ऐसा चाहते हैं? नहीं। तो उस तक ना पहुंचे, ये डिप्रेशन इंसान की ज़िंदगी ले लेती है। ये बात मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुसाइडल हो गया था एक पॉइंट में। आई वॉज अ सुसाइडल केस, आई वॉज सेक्शनड इन द हॉस्पिटल। मैं मैनचेस्टर का, वो एक नवाही इलाका था, उधर मुझे पहुँचा दिया गया था। मैं सुबह सो के उठता हूँ, मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वेयर द हेल एम आई, यू आर इन द सेक्शन वार्ड, यू आर इन साइक वार्ड। वहाँ पे 25 और पागल थे जो कि मेंटल पेशेंट्स थे, एंड आई वॉज देयर विद देम। क्यों? क्योंकि आई वॉज सुसाइडल, मैं सुसाइडल हो गया था क्योंकि डिप्रेशन इतना बढ़ गया था।
और डिप्रेशन इज रियल, ये बहुत रियल चीज है। ये उम्र देख के नहीं होता ख्वातीनो हजरात कि तुम तो अभी बहुत जवान हो, तुम्हें डिप्रेशन किस चीज की है, तुम्हें तो मैंने पैसों से लादा हुआ है, तुम्हें तो मैंने बेहतरीन चीजें दी हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, डिप्रेशन का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। रॉबिन विलियम्स डिप्रेशन से मरा, हीथ लेजर डिप्रेशन से मरा, डिप्रेशन से मरे ये लोग। डिप्रेशन इज रियल, इसको रियलाइज कीजिए और अपने आप को इतना एम्पैथेटिक बनाइए कि अगले बंदे की प्रॉब्लम को जब आप सुने तो आप फुल अटेंशन के साथ सुने, अपना दुखड़ा मत रोए उसके सामने। लेकिन नहीं, एक रेस लगी हुई है जनाब, एक रेस लगी हुई है। बैंक बैलेंस किसका बड़ा है, ग्रेड्स किसके अच्छे हैं, माँ बाप कह रहे हैं ग्रेड्स इसलिए अच्छे कल इसको अच्छी जॉब मिलेगी। ओ भाई ये जिंदा ही नहीं रहेगा तो जॉब किसकी, ये दिमागी पेशेंट हो जाएगा तो जॉब क्या करेगा। मेरे पेरेंट्स को आगा खान हॉस्पिटल में बुला के साइकाट्रिस्ट ने एक बात बोली थी, मैं बाहर बैठा हुआ था, मुझे नहीं होश इस चीज़ का कि क्या हुआ। मुझे बाप मेरे वालिद ने बाद में बताया कि उस डॉक्टर ने बोला था कि आपका बेटा किसी काम का नहीं रहा, इसको किसी परचून किरियाना की दुकान खुलवा के उस पर बिठा दीजिए और इसको गल्ले पे मत बिठाएगा, ये उस डॉक्टर के अल्फाज है, उसको गल्ले पे मत बिठाएगा, उसको पैसे का कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं है, बस ये वहाँ बैठा रहे, चीज़ें देता रहे, बांटता रहे, फिर चीज़ें जो आए क्लाइंट आए उसे चीनी दे दी, आटा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ये उसने कहा था। फाइट करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। कोई कोई अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच जाता है, कोई कोई अपनी मंजिल में देर से पहुँचता है। आप जब फूल उगाने की कोशिश करते हैं तो आप उसका माहौल बदलते हैं, फूल को नहीं बदलते। फूल जो है वो अपने टाइम पे खिलेगा। कैक्टस का जो पौधा है वो डिफरेंट कंडीशंस में पनपता है, उस कंडीशन में गुलाब के फूल को रख देंगे वो जल जाएगा, मुरझा जाएगा। वो आप कह रहे हैं नहीं नहीं कैक्टस का पौधा इतनी तपिश ले रहा है, इतनी रेगिस्तान, इतनी मट्टी, इतनी गर्मी, लेकिन वो तो पनप रहा है, तुम भी पनपोगे, तुम भी जाओ उधर। आपने गुलाब का फूल लगाया वो मिनटों में मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को एक ही पैमाने से नापा। गलत है, चार बच्चे हैं आपके, चारों मुख्तलिफ हैं। अगर एक जल्दी एक मंजिल पर पहुंच रहा है और दूसरा नहीं पहुंच पा रहा तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि दूसरा कुन ज़हन है, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि दूसरा पागल है, बेवकूफ है, गधा है, जाहिल है। नहीं, अगर एक जल्दी पहुंच गया उसको सराहो, अगर एक देर से पहुंच रहा है उसको सपोर्ट करो, और सपोर्ट करो लिटरल टर्म्स में, सपोर्ट करो जेन्युइननेस के साथ, सपोर्ट करो, तंज ना मारो, नीचे ना दिखाओ, डिग्रेड ना करो। यार क्या होगा, वक्त का पहिया एक सा नहीं रहता ख्वातीनो हजरात, वक्त का पहिया घूमता रहता, आज आप ऊपर वो नीचे, कल वो ऊपर आप नीचे। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको अगर अल्लाह ताला ने नवाज दिया है तो आप ही ऊपर जाते रहेंगे। नहीं, अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। अल्लाह ताला दौलत देता है और साथ में सुकून छीन लेता है। क्या करोगे, कर लो सुकून, ले आओ, खाते रहो दवाइयां। और किसी किसी को सुकून देता है तो पैसा नहीं देता, लेकिन वो सुकून, अल्टीमेटली जो हमारी लाइफ का जो गोल है वो तो सुकून है। तो डिप्रेशन इसको रियलाइज कीजिए, इसको सीरियसली लीजिए, और प्लीज अपने बच्चों को अनवांटेड प्रेशर के अंदर मत डालिए। ये छोटे छोटे नाजुक फूल हैं यार, ये मुरझा जाएंगे, वक्त से पहले मुरझा जाएंगे। और देखें एक बात याद रखिएगा, बचपन में जिस किस्म का प्रेशर बच्चे पे पड़ता है वो उस वक्त अगर उसको शो नहीं करेगा वो जवानी में उधेड़ उम्र में ज़रूर शो करेगा। वो फाउंडेशन उसकी अगर गलत पड़ गई, वो ईंट अगर गलत पड़ गई, बच्चे अपने माइंड में चीज़ ले लेते हैं, बच्चे अपने माइंड में चीज़ ले लेते हैं, इंप्रेशन ले लिया उसने बच्चे ने, वो उस वक्त जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन उसने आपने उसको बोला तू तो है ही निखत, तू तो है ही पागल, देख तेरा भाई कितना काम कर रहा, देख तेरी खाला का बेटा, देख तेरे चाचे का बेटा, लेकिन आप उसको कह भी रहे नहीं तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा है। वो जो आपने नेगेटिव जुमले बोले वो उस बच्चे के दिमाग में ब्रेन टैटू हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेन टैटू हो गए। अब 25 साल बाद डाउन द लाइन वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि उसके बाप ने बचपन ये बात बोली थी कि बेटा तू तो नाकारा है, तू तो बकवास है, तू तो गंदा अंडा है, तू तो ब्लैक शीप है, तू तो बेकार आदमी है। वो बच्चा कभी भी पनप नहीं पाएगा, नहीं पनप पाएगा। कोशिश करके देखें।
पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने उसका जो कच्चा जहन था उस पर एक पुख्ता ईंट डाल दी कि तुम निखत हो, तुम निखत हो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब आप उसको ऊपर से कह रहे हैं नहीं तुम यूं भी अच्छे, यूं भी अच्छे, उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है, उस बच्चे के बाद में जहन में ये बात बैठ चुकी है, वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों के होने के बावजूद मार का सर कर लेते हैं, लेकिन उनका रेशियो ख्वातीनों हजरात बहुत कम है, ऐसे बच्चे कम हैं, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे नहीं होते। नहीं देखिए, मैं आपको एक और देखिए, आज बात हो रही है तो मैं चूंकि ये जो टॉपिक है वो मेरी लाइफ से बहुत करीब है, मैं खुद भी डिप्रेशन का पेशेंट हूँ और मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। मेरी लाइफ में जो मेरे दो बेटे हैं उनको मैंने आज तक ज़ोर से, मेरा ख्याल है 5 साल मतलब जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक हार्डली एक दो दफ़ा मैंने उनसे मतलब तेज़ आवाज़ में बात की होगी, क्योंकि मैं ये बात रियलाइज़ कर चुका हूँ कि अगर मैंने इन दोनों के साथ ये हरकत की, इनको बार बार जदोकोब किया, इनको बार बार ये कहा कि तू यूँ नहीं कर रहा, वो तो ये कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, तू ये कर रहा है, वो जो कंपैरिजन है वो एक दूसरे के दिल में गड़बड़ पैदा कर देगा। भाइयों की आपस में नफ़रत पैदा हो जाती है, बहनों का आपस में आप करवा दीजिए कंपैरिजन, वो बहन दूसरे से नफ़रत करने लगेंगी, भाइयों का करवा दें वो भाई एक दूसरे से नफ़रत करने लगेगा, दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी। आपके आपने क्या किया, आपने उसको क्या रियलाइज किया कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ, अच्छा बनाने का ये तरीका नहीं है। वही बात मैंने जो आपको बोली, कैक्टस का जो पौधा है वो रेगिस्तान में उग रहा है, गुलाब का फूल जो है वो गुलिस्तान में उग रहा है। आप कैक्टस के पौधे को गुलिस्तान में लाके कर दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। आपने कहा मैंने तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, मैंने तो इतनी अच्छी रोशनी दी, इतना अच्छा बारिश भी थी, इतनी अच्छी हवा भी थी, ये भी था। कैक्टस का पौधा नहीं पनपेगा क्योंकि उसकी नेचर में सख्ती है, वो उसमें पनपता है, और गुलाब का फूल उधर ही पनपेगा, उस गुलशन में पनपेगा, क्योंकि ये उसकी नेचर है। लेकिन अफसोस कि बड़ी बड़ी डिग्रीज करने के बावजूद पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, बच्चों को इतना ज़्यादा जदोकोब किया जाता है, इतना ज़्यादा उनको प्रेशर में डाला जाता है कि वो बच्चे, और फिर इन दी एंड बच्चे, ख़वातीनों हज़रात पिछले 12-15 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड खुदकुशियाँ हुई हैं, रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड खुदकुशियाँ हमें इसलिए पता चली क्योंकि सोशल मीडिया था, 25-30 साल पहले, 50 साल पहले भी खुदकुशियां हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही होंगी, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमें नहीं पता चल रहा था, हमें नहीं पता चलता था। आज पता चल जाता है, रेप केस होता है पता चल जाता है, फौरन सोशल मीडिया पे जाता है। तो भाई खुदकुशी तक आप बच्चे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी को भी, बच्चे को, दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, अम्मा अब्बा को प्रेशर, आप अम्मा अब्बा पर डाल सकते हैं, अम्मा अब्बा को आप डिप्रेशन दे सकते हैं। माँ बाप आज बेचारे घबराते हैं कि अपने बच्चों से बात करेंगे, वो कहीं 10 बातें ना सुनाते बच्चा हमारी। तो भाई ये क्या हो रहा है यार, ये हो क्या रहा है, इस चीज को रियलाइज करें। आप किसी को पुश ना करें, आप एज पे ले गए उसको, अब आपने हल्का सा भी धक्का मारा वो अगले दिन लेटर लिख देगा, वो लेटर लिखेगा अम्मा मैं इसलिए आज जहर खा रहा हूँ, मैं आज अपनी नस इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास में मेरा पोजीशन अच्छी नहीं आई, मुझे पता है अब्बा डांटेंगे, ये लेटर मैं खुद पढ़ चुका हूँ, ये लेटर मैंने खुद पढ़ा इंटरनेट पे, उस बच्चे की तहरीर आई है, 11 साल का या 9 साल का बच्चा था, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, उसने कहा अब्बा नाराज़ है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। यार ओ माय गॉड, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसने अपनी खुदकुशी कर ली, 9 साल का बच्चा क्या होता है यार। खुदकुशी करना ख्वातीनों हजरात, अपनी जिंदगी खत्म करना, हराम मौत पहली चीज, दूसरी चीज इसको करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। उस बच्चे की मेंटल प्रेशर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसने उठा के नस काट ली और खत्म कर लिया अपने आप को, 9 साल का बच्चा था। अब मां रोए, बाप रोए, वो आएगा दोबारा वापस, अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं दोबारा ले लो, दोबारा कर लो। आप एज पे ले जाते हैं, जब वो गिरता है मुंह के बल तो आप कहते हैं ओहो मैं तो तुम्हें बचा रहा था, ओहो मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, ओहो मैं तो तुम्हें इंस्पायर कर रहा था। बुलशिट है यार, ऐसी इंस्पिरेशन नहीं चाहिए यार, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। और आप कह रहे नहीं, अच्छा बच्चा जो कह रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो आप कह रहे नहीं ये तुम्हारा जहन का फुतूर है। नहीं है फुतूर यार,
नहीं है फुतूर ये जहन का, ये है प्रॉब्लम, डिप्रेशन है मौजूद, फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिप्रेशन होती है, साइकोसिस होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, लोग खुदकुशी करते हैं, इट्स रियल, ये रियलिटी है। बच्चे यूनिक हैं, इसी तरह पेरेंट्स यूनिक हैं। मियां बीवी, ओहो, मियां बीवी की तरफ अगर मैं आता हूं, एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात, बीवी को कंपेयर कर रहे हैं अपनी मां से, मेरी मां तो यूं थी, तुम तो ये भी नहीं कर सकती, मेरे दोस्त की बीवी तो यूं करती है, तुम तो ये भी नहीं कर सकती। आपने जब ये कंपैरिजन किया, आपकी बीवी ने उस शख्स से नफरत करनी है, नफरत करनी है। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तुम्हारी बहन तो यूं करती है, तुम तो ये नहीं करती, मेरी मां ने यूं किया तो तुमने इस तरह नहीं बनाया। फिर कहते हैं वो छोड़ के चली गई, फिर कहते हैं उस वो बदतमीजी करती है, फिर वो अच्छा बीवियां भी ये कर रही हैं शौहरों के साथ, शौहर भी ये कर रहे हैं बीवियों के साथ। इन दोनों का जो प्रेशर डेवलप होता है वो कहां गिरता है? बच्चे पे। वो जो प्रेशर, अब शौहर का प्रेशर था उसने बीवी पे डाला, बीवी कहां निकालेगी प्रेशर? वो अपने तक रखेगी नहीं, वो बच्चों पर निकालेगी, काम वाली पर निकालेगी। बाप को मिला प्रेशर अपने बॉस से, एम्प्लॉयर से, मैनेजर से, उसने आके गिरा दिया बच्चों पर। बच्चों को नहीं पता ये बात, बच्चों को नहीं पता ये बात भाई कि बाप का दिन खराब गुजरा या ये गुजरा, वो एक अपनी दुनिया में है। लेकिन हमें, हम क्या बात करते हैं, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, अभी तक तुम ये करते हो। ओहो, मैं जब बच, एक तो ये साला इस स्टेटमेंट ने मां की आंख कर दी, आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो हम तो यूं करते थे, हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो हम तो यूं करते थे। ओ भाई, तो करते थे तो मैं क्या करूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं उस जमाने का नहीं हूं, मैं नहीं हूं उस जमाने का, ना आप उस जमाने के, ना मैं उस जमाने का हूं, ना मेरी औलाद उस जमाने की होगी जिस जमाने में मैं हूं। हजरत अली ने फरमाया, अपने बच्चों को आने वाले जमाने के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा जमाना गुजर चुका है। प्लीज डोंट डू दैट। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, आई स्वेयर टू गॉड, वो बच्चे आके रो रहे होते हैं, आंसुओं से नहीं, दिल से रो रहे होते हैं, यहां से रो रहे होते हैं वो, और फिर वो नशे की तरफ जाते हैं, फिर वो गलत कार्यों में पड़ते हैं, फिर वो गलत, वो बुराई की तरफ जाते हैं, फिर पेरेंट्स पलट के कहते हैं, फिर हम कहते हैं ओहो वो तो बिगड़ गया, जमाने ने बिगाड़ दिया उसको। नहीं, आपने बिगाड़ा है, मैंने बिगाड़ा है। आज मेरा बच्चा कहीं बिगड़ता है, उसमें मेरा कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है, सॉरी, किसी और का कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पुश किया। एक रिसर्च हुई, खवातीन हज़रात जरा सुनिएगा, रिसर्च क्या हुई, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, चूहे होते हैं दो, उन्होंने कहा दो चूहों को इतने बड़े से केज में रखते हैं, और उसके अंदर जो है हम पानी भी रखते हैं और चर्स का पानी भी रखते हैं, मतलब चर्स में अलावा पानी भी रखते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, दोनों चूहे उन्होंने उस पिंजरे में डाले। अब वो पिंजरा खाली है, उसमें कुछ और नहीं है सिवाय पानी के और चर्स के पानी के। थोड़ी देर में देखा वो दोनों चूहे चर्स का पानी पी के टुन हो जाते हैं। उन्होंने लिखा अपने रिजल्ट के अंदर, भाई जब इंसान को चर्स और पानी मिलता है तो वो चर्स पीता है। अच्छा जी, ठीक है, मिल गया। ये चीज हुई एक और साइंटिस्ट के सामने, उस साइंटिस्ट ने कहा एक मिनट रुक जाओ यहीं पे, अब हम यही रिसर्च दोबारा करेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ। जरा खवातीनों जरा सुनिएगा, डिप्रेशन और नशा और बुरी आदत, उन्होंने कहा थोड़ा सा डिफरेंस क्या है भाई, क्या करेंगे, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उन्होंने कहा देखिए, आपने करना ये, बड़ा पिंजरा लेना है, बड़े पिंजरे के अंदर चर्स का पानी भी होगा, बड़े पिंजरे के अंदर नॉर्मल पानी भी होगा, बड़े पिंजरे के अंदर खेल कूद की चीजें भी होंगी, बड़े पिंजरे के अंदर एक्टिविटीज भी होंगी। चूहों के लिए क्या एक्टिविटीज होंगी, वहां पे लैपटॉप रखेंगे आप? नहीं, आपने रख दी मुख्तलिफ काम करने की चीज, मतलब मुख्तलिफ खेल कूद की चीजें, कि वो कभी इधर से गुजर रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी टनल में जा रहा है, कभी इधर कुछ भी है, उसको इंगेज कर दिया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, खवातीनों हजरात, शॉकिंग रिजल्ट है, 99% चूहों ने सिवाय उस सादे पानी के, चर्स के पानी को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनको इंगेज कर दिया आपने, क्योंकि उनको आपने मिला दिया, क्योंकि उनको आपने इंगेज कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया। तो उन्होंने रिजल्ट लिखा, उन्होंने कहा जनाबे अली, अगर इंसान को आपने सही कंपनी दी, अगर उसको सही अटेंशन दी, अगर उसको सही पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाया, तो वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। पॉजिटिव एक्टिविटीज खवातीनों हजरात सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं होती, पॉजिटिव एक्टिविटी सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं होती, पॉजिटिव एक्टिविटी सिर्फ शतरंज खेलना नहीं होती, पॉजिटिव एक्टिविटी दो दोस्त बैठकर कॉफी पीते हुए
बातचीत करना यह भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वो तो चूहे थे, वो तो उनको क्या पता, उनको ये पता चल गया था, वो हेल्दी एक्टिविटी में लगे, इधर उधर किया उन्होंने, खेल कूद किया, कोई उधर झूले पे चढ़ गया, कोई उधर चढ़ गया, कोई इधर कर गया, उधर कर गया, उन्होंने चर्स का पानी नहीं पिया। आज का नौजवान चर्स की तरफ क्यों जा रहा है? सवाल उठाइए, पूछिए अपने आप से। मैं कोई इलाके का नाम नहीं लूंगा कराची के, मैं किसी स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनमें से एक मेजॉरिटी स्टूडेंट इस बुरी आदत में मुलव्वस है। बहुत सी अदर बुरी आदतें भी हैं जिनका मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन एडल्ट हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, वो मुलव्वस है। अच्छा, मैंने पूछा तुम चर्स क्यों पी रहे हो? मैंने कहा तो मैं क्यों ना पीऊं, ये भी पी रहा है। अच्छा चलो ये पी रहा है, तो तुम इसके साथ क्यों उठते बैठे हो? ये मेरी बात सुनता है, ये मेरी बात सुनता है, ये मुझे सही मशवरा देता है। अब चर्स पीने वाला चर्स पीने वाले को सही मशवरा दे रहा है, इमेजिन करें यार। मैंने कहा अच्छा तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं सर, उसके पास जाऊंगा तो वो कहता मैं तो यूं पढ़ रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, तुमने ये भी नहीं किया हुआ, ये साला गेम चेंजर, तुमने ये भी नहीं किया, ओह तुमने तो ये भी नहीं किया, अच्छा तुम ये भी नहीं करते। अगला बंदा कहता है तुम्हारी माँ की आंख, हटो यहां से, मैं नहीं कर रहा, तुम तो भाड़ में जाओ, ये सही है, वो उधर चला जाता है। अल्लाह ताला ने बुराई में लज्जत डाली है, चर्च अगर बुराई है तो बुराई में लज्जत है, बच्चा उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। 3 years 4 years डाउन द लाइन आप देखते हैं वो बच्चे की सेहत तो तबाह हो गई। आप कहते भाई तू क्या कर रहा है? वो कहते क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जब मेरे पास टाइम था तो आपके पास टाइम नहीं था, वो बाप को पलट के बोल रहा है। आज जब आपके पास टाइम है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों दूं आपको टाइम? खवातीनों हजरात, 1999-2000 की बात है, हम एक कोचिंग सेंटर चलाते थे अपने वालिद साहब के साथ मिलकर नाजमाबाद में। जनाबे अली, एक लड़का आता है अपने वालिद साहब के साथ, लड़का लईम शईम लंबा चौड़ा, उसका बाप छोटे से कद का, वो आता है। मैंने कहा बच्चे का एडमिशन कराना है। अच्छा जी करा दीजिए। बच्चे की आंखें लाल। अच्छा मैंने कहा शायद ये सो के आ रहा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, उस साले की आंखें ही लाल है। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? मेरे वालिद साहब ने, नॉट मी, मेरे वालिद साहब ने उससे पूछा बेटा ये क्या चक्कर है? उसने एक दिलखराश बात सुनाई। खवातीन हजरात सुनिएगा जरा ये बात। उसने कहा सर हुआ ये कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अब ये मैं आपको बता रहा हूं ट्रीटमेंट, ट्रस्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, वीड, चर्स, मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा सर मैं स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, मैं उसके बाद जाके जब अब मगरिब की अजान हुई तो हम जाके एक जगह बैठ गए। अच्छा हम जब बैठे तो हमारे बराबर में 2-3 लड़के खड़े हुए थे, वो सिगरेट पी रहे थे, उनका धुआं उठा, वो मेरे कपड़ों में आ गया। अच्छा हम थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद पता नहीं हो गया जी चलो जी घर चले जाते हैं। कह रहा मैं घर पहुंचा, मेरे वाले साहब ने कहा तू सिगरेट पी के आया? उसने कहा नहीं अब्बा मैं सिगरेट नहीं पी के आया, मैं बेसिकली वहाँ पे था, हम लोग जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं तो सिगरेट नहीं पीता और ना मेरे सर्कल में कोई पीता है, लेकिन हम जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पर हम जब बैठे हुए थे तो वहाँ पे 2-3 लोग जो थे सिगरेट पी रहे थे, तो शायद उनकी वजह से धुआं मेरे कपड़ों में आ गया। खवातीनों हजरात, बाप ने बेल्ट निकाली और 2 घंटे तक पीटा बच्चे को तबीयत से, 2 घंटे तक। उसने कहा मैं कहता हूं अगर उसने एग्जेजरेट किया है, उसके बाप ने उसे अगर 15 मिनट ही मारा है, खवातीन हजरात 15 मिनट बहुत होता है, बहुत होता है बेल्ट से मारना, एक बेल्ट मार दो बंदे की हालत ऐसी की तस्वीर होती, 15 मिनट भी अगर उसने कहा तो बहुत होता है। उसने कहा मैं यूं उठा, मैंने कहा अब मैं जा रहा हूं बाहर, वो बाहर निकला, उसने कहा मैंने सिगरेट नहीं पीनी, चर्स की सिगरेट लेकर आओ। वो दिन और उस दिन के बाद का हर दिन उसने कहा फिर मैंने सिगरेट नहीं पी, चर्स की सिगरेट पी, मेरा साइज आप देखें, अब बाप मेरे हाथ को मुझे हाथ लगा के दिखा दे, अब भला बताएं ये सगी औलाद है जो बाप के बारे में कह रही है। आज वो लड़का कहाँ है, किन हालत में होगा, किन जगहों पे होगा, जब वो 8वीं जमात में सिगरेट पी रहा है तो आज वो कहाँ होगा, ये आप और मैं अच्छी तरह मतलब हम कयास आराई भी नहीं कर सकते, हम अज्यूम भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वो जगह अच्छी जगह पे हो जहाँ भी हो। ये मैं बात बता रहा हूँ 2000 की। क्या होता कि अगर वो बाप कहता अच्छा बेटा उस जगह पे नहीं बैठना, कहीं और बैठ जाना, सिगरेट पीना ठीक नहीं है, ये बात कहता वो ख़त्म हो जाती बात करने का तरीका। खवातीन हज़रात, कई दफ़ा हम नसीहत इस अंदाज में करते हैं कि अगले बंदे का दिल छन्नी छन्नी हो जाता है, हम अपनी दानिश में तो अगले बंदे को नसीहत हम नसीहत दे रहे हैं, लेकिन हम जिस अंदाज में दे रहे हैं वो अगले बंदे का दिल फट जाता है, चिर जाता है। फिर हम कहते हैं हमने तो, फिर हमारी तरफ से एक और जुमला आता है, हम तो सच बोलते हैं, हम तो जो दिल में है वो मुंह पे है। भाई दिल में ही रखो, ऐसी बात है जिसे दिल आजारी हो ना अगले बंदे की, अपने दिल में ही रखो बातें। मुझे अगर ये लगता है कि मेरी किसी बात से अगले बंदे की दिलावेरी होगी, मैं दिल में रख लेता हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं हूँ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई,
क्यों बोलूं मैं क्यों उसको दुख, मैं क्यों उस स्टूडेंट के ऊपर और जिसके बेचारे के ऊपर इतना प्रॉब्लम वैसे ही पड़ा हुआ है मैं उसके ऊपर और प्रॉब्लम डाल दूं? क्यों डालूं भाई, क्यों क्यों करूं? मैं नहीं कर रहा। मैं दो लफ्ज बोलूंगा अप्रिसिएशन के, उसकी दुनिया बदल जाएगी। वो कहेगा लो ये कौन सा टीचर आया? चार्ली चैपलन ने कहा था, दुनिया का हर काम हर मर्ज की दवा मोहब्बत है। किसी ने पूछा लो अगर दवा काम ना करे तो उसने एक तारीख साज जुमला कहा, उसने कहा दवा की डोज बढ़ा दो, मोहब्बत की डोज बढ़ा दो, अगले को सुनो, अगले को समझो, अगले को टाइम दो, एम्पैथी शो करो, जेन्युइननेस शो करो, एप्रिसिएशन दो, कंपैरिजन ना करो कंपैरिजन करोगे अगला बंदा डिग्रेड होगा, डीमोटिवेट होगा, इन द एंड वो डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर लेगा। फिर हम कहेंगे अच्छा शख्स था, अच्छी बातें करता था, अच्छा शख्स था, हाँ थोड़ा कम बोलता था, अच्छा इंसान था, जल्दी चला गया। अच्छे इंसान को तो अल्लाह जल्दी बुला लेता है। अल्लाह ताला भी शायद उसी शख्स को बुलाता है जब उसको लगता है कि ये बाकी लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, जब बाकी लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं उसको बुला लेता है अपने पास, छोड़ो यार रहने दो आ जाओ। मेरे एक चचा 21 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे आपको। इतनी जवान मौतें होती हैं, इन लड़के लड़कियां अपनी नसें काट रहे हैं अपने आप को। वो अभी इंडियन एक्टर 2-3 दिन पहले, वो आसिम नाम है, क्या नाम है, उसने खुदकुशी कर ली डिप्रेशन। इंडियन एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा है, फेम भी है, सब कुछ है, डिप्रेशन। सुशांत सिंह इतना बड़ा एक्टर, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहा था, लोगों को पसंद, मतलब लोग उसको पसंद करते थे। उसने एक बात बोली थी, उसने कहा था मुझे बॉलीवुड ने कटा दिया कि लोग मुझे अपनी पार्टीज में नहीं बुलाते, मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। ओए होए, एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसको। पैसा था, शक्ल सूरत थी, पर्सनालिटी थी, एक्टिंग थी, कैरियर था, क्या नहीं था? नहीं था तो एप्रिसिएशन नहीं थी, नहीं थी तो एनकरेजमेंट नहीं थी, नहीं थी तो एक्सेप्टेंस नहीं थी। चला गया आज वो, लेकर आ जाओ उसे दोबारा, नहीं ला सकते। तो भाई डिप्रेशन रियल है, साइकोसिस, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब रियल है। और ये जिसके दिमाग में होती है ये जंग, ये उसी को पता है कि वो किन हालात से गुजर रहा है, खा वो लड़का लड़की, मर्द औरत, बुढ़ा बुढ़ी, जो भी है, ये उसको पता है। और डिप्रेशन उम्र देख के नहीं आती। आज का प्रोग्राम बहुत सीरियस हो गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था जिस पे मुझे कई लोगों ने मैसेज किया था कि प्लीज़ इसके ऊपर बात कीजिए। चूँकि ये मेरा फर्स्ट एड एक्सपीरियंस भी है, मैं ख़ुद भी इसका पेशेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ। अब तो खैर डिप्रेस नहीं रहता मैं क्योंकि मैं मेडिकेशन पे, और मेरे हालात अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने फैमिली इतनी अच्छी मेरी है, मतलब मेरी वाइफ, बच्चे, मेरे भाई, मेरी अम्मी अब्बा, सब बेहतरीन, तो वो सपोर्ट मुझे मिला। लेकिन ऐसा खुशकिस्मत हर कोई नहीं होता कि जिसके बीवी भी इतनी सपोर्टिव है, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, अब्बा भी हैं, अम्मा भी हैं, सब इतने सपोर्टिव हैं। तो अगले का सपोर्ट कीजिए। मैं जल्दी से कमेंट्स ले लेता हूं क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं, सो सॉरी, वो मैं जज्बात की रूह में बहता चला गया। मोहम्मद अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद खान हमें देख रहे हैं, मोनिस हक हमें देख रहे हैं, नसरुल्लाह साहब हमें देख रहे हैं, शुक्रिया मोहम्मद अहमद खान, शुक्रिया। क्या हाल है सर? आई एम वेरी वेल। इमरान वसीम, वालेकुम सलाम कह रहे हैं। फर्रुख अली भी हमारे साथ हैं। वहीद रहमान, मुनीब सिद्दीकी साहब कहते हैं सलाम, वालेकुम सलाम। राबिया अली ने हमें ज्वाइन किया, उसामा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुनीब सिद्दीकी कह रहे हैं राइट्स के हम लोगों को सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते जनाब। फैज गुलजार साहब, जर्रार हाशमी हमारे साथ, थैंक यू एनी हुसैन, थैंक यू एनी, एनी ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू एनी। तलत वक़ार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सुनैरा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वालेकुम सलाम सुनैरा सैयद, आप कह रही हैं राइट्स। फातिक अली शाह हमारे साथ हैं, सो ट्रू। शेख हसन हमें देख रहे हैं, थैंक यू। रमीज़ हसन साहब, शिको भाई कभी बच्चा इसको एज अ चैलेंज भी ले लेता है? बिल्कुल ले लेता है, मैंने इसी कन्वर्सेशन के दौरान कहा। लेकिन रमीज़ साहब, उन बच्चों की प्रोपोर्शन बहुत कम है, ऐसे बच्चों का प्रोपोर्शन बहुत कम है, रेशियो बहुत कम है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की, मैं जेफ़ बेजोस और बिल गेट्स की मैं इनकी एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेरी औलाद, आपके बहन भाई, ये हमारे दोस्त यार, इनकी बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी में है।
ठीक है. एनी ने फरमाया, एक्सलेंट लेक्चर, इट्स ट्रू, एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल इन देयर ओन वे. पेरेंट्स मस्ट नॉट लेट दिस सोसाइटी गेट टू देम. यू आर एब्सोल्युटली राइट एनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्सेशन सून एज यू कम टू माय प्लेस विद यासिर हुसैन एंड विद अली एंड ज़ैनब एज़ वेल. रमीज हसन साहब ने फरमाया, सही जुनैरा कह रही हैं, जुनैरा सैयद 100% आपने सही कहा, जज़ाकअल्लाह. मुनीर सिद्दीकी एब्सोल्युटली राइट. ज़ई ज़ई अ वेरी बिग नेम एंड if you are watching sir say it's a privilege and honor to have you on my show. Thank you. Sunaira sayyid ne phir kaha, Allahu akbar, bilkul dara beta, bahut sahi baat aapne kahi, dil zari nahi karni chahiye jaisa ki maine pehle farmaya, bilkul sahi. Zahid Rafiq sahab ne hame join kiya hai, unhone kaha assalam alaikum, my heart has exploded many times. Zahid Rafiq sahab, aapse hamara rishta thoda munfarid ho gaya hai aur agar kabhi aapko aisa lage, waise sirf Zahid Rafiq sahab nahi, yahan pe is waqt jitne log mujhe sun rahe hain, jitne log आप जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, मेरा इनबॉक्स आपके पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है. कभी भी कोई चीज़ परेशान कर रही हो, कभी भी कोई चीज़ ऐसी, कोई सोच परेशान कर रही हो, कोई नहीं है जो कि बात सुन रहा है और कोई सुना, किसी को सुनाने का दिल चाह रहा है, तो मेरा इनबॉक्स भी खुला हुआ है, मेरा नंबर भी खुला हुआ है, मेरा व्हाट्सएप भी खुला हुआ है. Please feel free to get in touch with me as soon as possible before making any insane decision about your life. Don't do that. Don't do that, okay? Hunain Raja, thank you. Muneeb Siddiqui sahab farmane, bilkul dilazari nahi karni chahiye. Sushant sir ke uske dost nahi bante, usne kaha kya tha ki koi uski baat nahi sunta kyunki wo boring baatein karta hai. Muneeb, you're absolutely right. Wo jo uska interview tha wo maine bhi padha tha, and it's painful. It's beyond painful. तो ख़वातीनो हज़रात, आज का सेशन ख़त्म करते हैं, और अगर मेरी किसी बात से आप लोगों की दिलाज़ारी हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. मेरा मकसद हरगिज़ आप लोगों की दिलाज़ारी करना नहीं था, बस ये एक ऐसा डार्क साइड है हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का, जिसको मैं समझता था एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर, कि मैं ये हाईलाइट करूँ. वैसे भी बहुत से लोग इसको हाईलाइट करते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन चूंकि हर किसी का ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता, और चूंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में आप लोगों से बात की जाए. तो प्लीज़ इस चीज़ का जहन में ख्याल रखिएगा कि कल से कई कोई भी अगर आपसे कोई प्रॉब्लम जिक्र करता है, कोई बात करता है, तो एम्पैथी के साथ, यू नो, आराम से, इत्मीनान से उसकी बात सुनिए, उसको समझिए. उसको अगर मशवरा नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उसको अपनी अटेंशन दीजिए, मोहब्बत का डोज बढ़ाइए. इस वक्त हम सब मोहब्बत के भूखे हैं, असल से मोहब्बत के भूखे हैं. हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें शोहरत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए. हमें ये सब चीज़ें इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि हमें इवेंचुअली लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए होती है. हमें अच्छा लगता है कि कोई कहता है कि तुम्हारे पास इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, वाह क्या बात है, अप्रिसिएशन मिली. अप्रिसिएशन मतलब मोहब्बत. वाह भाई, तुम आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तुमने कौन से कपड़े पहने, कहाँ से लिए, महंगे कपड़े, वाह जी वाह. क्यों? वो महंगे कपड़े पहनूंगा तो अच्छा लगेंगे, तो लोग कहेंगे वाह यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, अप्रिशिएट करेंगे. मोहब्बत. तो कंपैरिजंस नहीं करना, पेरेंट्स का ख्याल, ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल जो कि डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनका ख़ास ख्याल. सॉफ्ट कॉर्नर्स के साथ बात कर रही है. ठीक है जी, प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं. ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि चलता रहेगा, लेकिन और भी काम है आप लोगों के भी और मेरे भी. तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. कल मैं दोबारा आपसे मिलूंगा रात 11 बजे एक और टॉपिक के साथ. एक और बात होगी, एक और चीज़ के ऊपर हम नज़रसानी करेंगे, रोशनी डालेंगे. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर प्रोग्राम के एंड में जो भी आप सीखें, जो भी आप समझें, उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, वरना ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. नॉलेज जब अप्लाई कर दी जाती है तो उसका बहुत फ़ायदा होता है. तो कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं मुझसे, किसी से भी, उसको फौरन अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में. ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हैव अ प्लेजेंट इवनिंग. मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा. आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.